हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? टेक्निकल सर्व जनरल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी टेट, पी टेट, एच टेट का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं। जो पीसी वाले आपने सर्टिफिकेट किसी कारण आपका लॉस्ट हो चुका है, तो आप पीसी वाला भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। पीसी जो किसी भी ईयर में हो, 18 में है, 19 में है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकती हो। कैसे करना है आपने ये वाला डाउनलोड, तो इसके रिगार्डिंग मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हमारे चैनल पे आप नए आए हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हमारी वेबसाइट GNC टेक्नोलॉजीज़ को ज़रूर देखें, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और जो आपने किसी भी एडवर्टाइजमेंट को एड लगानी है, तो आप एड भी लगा सकते हो। 150 का इसका चार्ज रहेगा 1 मंथ का, तो आप यहाँ पर एड भी लगा सकते हो। किसी भी पोस्ट में आपने एड लगवानी है, तो आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ। डिजी लॉकर के रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सी टेट का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, पंजाब टेट का डाउनलोड कैसे करते हैं, हरियाणा टेट का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। तो चलो आज की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। तो देखो, पहले आपने डिजी लॉकर की आईडी क्रिएट करनी होगी। जी आप नए हो तो डिजी लॉकर की आईडी आप क्रिएट करोगे digilocker.gov.in की साइट पे आना पड़ेगा। और यहाँ से आप देख रहे हो साइन इन, साइन अप की ऑप्शन आ रही है, और यहाँ पर साइन इन की ऑप्शन आ रही है। साइन अप मतलब कि आपने आईडी यहाँ से क्रिएट करनी है। तो साइन अप करते हो तो यहाँ पर आपने आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के लिए मैंने पहले एक आईडी सॉरी वीडियो अपलोड कर रखी है, यहाँ पर डिजी लॉकर क्या है, तो इससे आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी। आपने कैसे लॉगिन करना है और कैसे आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ साइन इन कर लेना है। साइन इन चाहे पहले कर सकते हो, चाहे आप सीधा यहाँ पर आके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CBSE का लिंक आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपने CBSE लिंक पे क्लिक करना है सी टेट के लिए। तो सी टेट के लिए आपने ऑप्शन देख ली कि कोई भी सर्टिफिकेट आप जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी 10th का, +2 का कोई भी सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड करना है यहाँ से कर सकते हो। बट हम आज सीखने वाले हैं कि टेट का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं। टेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन की ऑप्शन पूछेगा। जी, तो आपने ऑलरेडी पहले कर रखा है तो सीधा वहाँ पर पहुँच जाएगा जहाँ पर आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। साइन इन नहीं किया तो आपको यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आपने मोबाइल, आधार कार्ड या यूज़र नेम से आपने लॉग इन करना है। तो आप क्या करोगे, आप मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड से, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने चूज़ किया मोबाइल नंबर, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला और आपका अपना सिक्योरिटी नंबर डाला, जो मैंने साइन अप करने वक्त डाला। उसके बाद क्या है कि आपको एक OTP नंबर आएगा आपके मोबाइल पे और मेल पे। तो आप यहाँ पर क्या है, OTP नंबर डाल देना है जो आपके मोबाइल पे आ चुका होगा। तो आपने यहाँ पर OTP नंबर डाल दिया। OTP नंबर डालते ही आपको वहाँ पर स्क्रीन में ये वाला ऑप्शन दिखने लगेगा कि कौन सा, कब का आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। जैसे देखो CBSE बोर्ड का है, टेट का है, जहाँ पर सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड करना है। आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा और आपने यहाँ पर रोल नंबर डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड में दिया हो यही डालना आपने। तो कौन से मंथ में आपने का सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड करना है, दिसंबर 18 का, 19 में, जुलाई का, दिसंबर, जनवरी, जो अभी लेटेस्ट आया है तो जनवरी का आपने डाल दिया। यहाँ पर आपने आई प्रोवाइड में क्लिक करना है और गेट डॉक्यूमेंट में आपने क्लिक कर देना है। जब आप गेट डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा। इशू डॉक्यूमेंट्स में आपने जाना है। इशू डॉक्यूमेंट्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट आपको इशू हुए होंगे तो यहाँ पर शो करने लगेगा सीरियल वाइज। जैसे मुझे आधार कार्ड अभी इशू आया, तो जो वहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ, उसका प्रिंट आउट ले सकता हूँ। इसी तरह आप पंजाब बोर्ड का डाउनलोड करना है, गेट मोर में आपने जाना है, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा सी टेट का, और हरियाणा बोर्ड का भी यही सेम रहेगा। आप उस स्टेट में जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमने गेट मोर में क्लिक किया, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी अभी स्टेट लेवल की, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे, एजुकेशन के रिलेटेड प्रोजेक्ट आएंगे, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी।
देखो अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जो आपने कोई भी डाउनलोड करना। मैंने स्टेट का यहाँ पर चूज़ किया, मैंने अभी पंजाब बोर्ड का मैंने डाउनलोड करना है। अब मैं पंजाब में क्लिक किया, पंजाब स्टेट में, तो यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। पंजाब बोर्ड का डाउनलोड करना है, डिपार्टमेंट मंडी बोर्ड का डाउनलोड करना है, स्टेट काउंसलिंग का आपने यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो स्टेट काउंसलिंग में आपने जाना है, और यहाँ पर टेट का सर्टिफिकेट आ चुका होगा। यहाँ पर देखो टेट टेस्ट है, तो यहाँ पर क्या है, क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सभी आ जाएगी बोर्ड की और सर्टिफिकेट की। आपका नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ कि आप रोल नंबर अपना देना है जो एडमिट कार्ड में हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपने कौन से साल में पास किया है, 2018 में पास किया है, 19 पास किया है, 20 में पास किया है, तो यहाँ पर आप ईयर फिल करोगे। तो यहाँ पर टेस्ट दो तरह के होते हैं, टेट वन और टेट टू। आप टेट वन का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो या टू का लेना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करना है और आई प्रोवाइड में क्लिक करके गेट डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देना है। गेट डॉक्यूमेंट क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इशू डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट डाउनलोड दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप हरियाणा बोर्ड का, हरियाणा टेट का भी डाउनलोड कर सकते हो, और भी किसी भी स्टेट का आप इसी तरह डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि किसी की हेल्प हो सके। और किसी का भी ये वाली सर्टिफिकेट लॉस्ट हो चुका है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अपने मोबाइल से यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है आपने ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।